Assalamu alaikum viewers. If you are new on my channel, so please subscribe and don't forget to press the bell icon. So welcome to biology class. हम biology के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें last time हमने testing of molecules था. So आज हम next lecture पढ़ने जा रहे हैं जो tissues के बारे में है, animal and plant tissues. So tissues क्या होते हैं? First of all, we are familiar. पहले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और टिश्यूज एनिमल्स में भी पाए जाते हैं. अब एनिमल्स के टिश्यू कौन से हैं और प्लांट्स के टिश्यू कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के टिश्यू. सो एनिमल की जो बॉडी है उसमें जो टिश्यूज हैं उनकी कैटेगरीज जो है वो चार हैं. चार टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया. नंबर वन एपिथेलियल टिश्यू, नंबर टू कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थ्री मसल टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. सो नंबर वन हम स्टडी करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या होता है. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करता है आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स की. जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनको और हमारी कंप्लीट बॉडी की जो आउटसाइड होती है उसको जो कवर कर रहा है उस टिश्यू को क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यूज. और वो ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के ऑर्गन को लाइन भी करता है. जो सेल है टिश्यू में वो वेरी जो है वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. मतलब एक सेल ये बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं. अब ये आउटर स्किन अगर हमारी है तो आउटर स्किन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पैक है, तो बहुत ज्यादा टाइट है. तो टाइट किस वजह से है? क्योंकि जो सेल यहाँ पे पाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैक्ड है. तो अब इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती है इसकी शेप पर डिपेंड करते हुए. और इसका जो डिफरेंट लेयर्स वगैरह है ये बनाता है इसकी शेप पर डिपेंड करके इसको आगे डिवाइड किया, जिसमें नंबर वन आ जाता है स्क्वेमस एपिथीलियम. स्क्वेमस एपिथीलियम जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल के साथ कंसिस्ट होता है. मतलब एक ऐसे लेयर है, ये एक दो तीन सेल ऐसे कनेक्ट है और वो ये इन सेल की फ्लैटन सेल की जो है वो लेयर है, फ्लैट होते हैं. ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल में पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट. नेक्स्ट आ गया क्यूबॉइडल एपिथीलियम. क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्या होते हैं? सो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है जिनकी क्यूब शेप होती है उनसे कंसिस्ट हुए होते हैं. क्यूब शेप जो है वो इनकी होती है, इस तरह आपस में जो है वो पैक्ड होते हैं. अब ये जो है वो किडनी ट्यूब में ये पाए जाते हैं और स्मॉल ग्लैंड में पाए जाते हैं, जहां पे ये क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं. स्क्वेमस एपिथीलियम पहले आ गया, नंबर टू क्यूबॉइडल. आगे आ गया कोलमनार एपिथीलियम. कॉलम से हमें वैसे ही समझ आता है जो इस तरह का एक कॉलम बना होता है ऊपर से नीचे, उसको एक कॉलम कहते हैं. तो ये क्या कॉलम की तरह के जो है ये सेल होते हैं, एलंगेटेड होते हैं, मतलब ऐसे लेंथ वाइज होते हैं, लंबे होते हैं. और ये एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक माउथ से लेके एंड तक जो कैनाल है उसमें पाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं और ये भी सेक्रीशंस करवाते हैं. नेक्स्ट आ गए सिलिएटेड कोलमनार एपिथीलियम. ये कौन से सेल होते हैं? अब वैसे तो कोलमनार सेल से पता चल गया कि वो क्या है, ऐसे लेंथ वाइज होते हैं, कॉलम की तरह के होते हैं. सिलिएटेड का क्या मतलब है? अब हमने सिलिया पहले पढ़े थे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं. तो अब इससे वैसे ही पता चला एक ब्रश टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये क्या करते हैं? ये प्रिपेल करते हैं कोई भी सब्सटेंस है उसको, इस तरह हिलते हैं तो वो आगे मूव करते हैं उसको. ये ब्रोंकाई में पाया जाता है और ट्रैकिया में. हमारे जो ब्रोंकाई है और ट्रैकिया है वो उसमें पाया जाता है. और ये क्या करता है? म्यूकस को प्रोपेल करता है. म्यूकस ऐसे ऐसे नहीं है तो वो आगे की तरफ मूव करेगा. और लास्ट वन आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. अब ये इसकी काफी लेयर होती है, फ्लैटन फ्लैट सेल जो होते हैं, जो हमने स्क्वेमस में पढ़ा था उस तरह के फ्लैट सेल होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के सेल. और वो काफी एक के बाद एक ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं. और ये लाइनिंग ऑफ एसोफेगस और जो माउथ की लाइनिंग है और जो एसोफेगस की लाइनिंग है उसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं. और ये स्किन जो है उसके ऊपर भी होता है. ये इनर पार्ट जितने भी है हमारे उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं. अब नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज की वो है कनेक्टिव टिश्यू. नाम से ही जाहिर हो गया कनेक्शंस.
तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट का फंक्शन ही उसके नाम में है कि कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये अदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, बनाए रखते हैं, आपस में साथ रखते हैं। और ये जो है ये अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू था वो उसके सेल इस तरह स्कैटर्ड जैसे फैले हुए नहीं होते थे, इसके जो कनेक्टिव टिश्यू के हैं वो फैले हुए होते हैं। अब ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो है वो कार्टिलेज की है, मतलब ये हमारी जो यहाँ पे ये बोन है कान के साथ, नाक के साथ, और जो दो बोन्स हमारी जैसा कि ये यहाँ पे है एल्बो जॉइंट है, इसके दरमियान में होता है, और ये क्या उनको आपस में जोड़े रखता है, फ्लेक्सिबल टाइप होता है ये, जैसे ये फ्लेक्सिबल है नाक की फ्लेक्सिबल है, तो ये टूट उनको सपोर्ट करता है और उनको आपस में जोड़े रखता है, कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मसल टिश्यू। अब हमारी बॉडी के अंदर सारे हैं, ये लेग्स हैं, बॉडी है, बाजू हैं, सब में क्या पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, और इन टिश्यूज को क्या कहते हैं, मसल टिश्यूज। तो मसल टिश्यू जो है वो बंडल ऑफ लॉन्ग सेल, लंबे लंबे जो सेल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो जब आपस में ऐसे जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऊपर नीचे जुड़ना ऐसे जुड़ना, वो मसल टिश्यूज बना देते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंस है एनिमल में ये वाली जो टाइप है, और इसके जो एबिलिटी है, इस मसल टिश्यू की एबिलिटी यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है और रिलैक्स भी कर जाता है। अब हम बहुत मूव करते हैं तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, तो इनका ये काम है। अब इनकी भी आगे तीन काइंड है, स्केल्टल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केल्टल मसल, स्केल्टल का मतलब भी ढांचा होता है, तो मतलब स्केल्टल जो वो मसल्स जो अटैच हुए होते हैं हमारी बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ जो मसल अटैच होते हैं उनको हम स्केल्टल मसल कहते हैं। और ये स्केल्टल जो ये स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रेन, इनको स्ट्रिएटेड कहा जाता है या स्ट्रिप कहा जाता है, इनके पास काफी ज्यादा न्यूक्लियाई इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये बोन की ये जो मूवमेंट है, हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं वो जो है वो स्केल्टल मसल जो है वो करवाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डिफरेंट यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल वगैरह जो ऐसे हमारे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास जो है स्मूथ मसल पाए जाते हैं, ये स्ट्रेटेड नहीं होते, स्ट्रिप नहीं होते, और इनके पास जो है इनके पास स्मूथ होते हैं नाम से ही, और इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। लास्ट वन आ गया कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कौन से होते हैं, कार्डियक मसल नाम से जाहिर है, आप हार्ट के साथ जो भी चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक। तो कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल, ये हार्ट के साथ होते हैं, और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अंदर, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हार्ट को कंट्रोल करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हार्ट बीट जो है उसको प्रोड्यूस कराते हैं। अब आ गया स्केल्टल मसल्स, और इनमें स्केल्टल मसल जो होते हैं जो हमारे बॉडी, अब इनको हम खुद अपने हाथ से मूव करा रहे हैं, ये मसल्स हमारे इस तरह मूव करें, तो इनको क्या कहते हैं, ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं और जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हार्ट बीट हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हार्ट जो है वो बीट कर रहा है तो वो अपने एक पीरियड के मुताबिक, टाइम के मुताबिक वो हार्ट बीट हो रही है, लेकिन हम उसे नहीं कर सकते कंट्रोल। और जो स्मूथ मसल है वो भी हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम कौन से, सिर्फ स्केल्टल मसल जो है हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केल्टल मसल को कहते हैं वॉलंटरी, और जो दूसरे स्मूथ और कार्डियक मसल उनको कहते हैं इनवॉलंटरी, जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। अब जो नेक्स्ट आ गया लास्ट है वो है नर्वस टिश्यू। सो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी अब एक जगह से दूसरी जगह तक जो मैसेज जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो जाने का भी एक जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को जो टिश्यूज कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन से टिश्यूज है, नर्वस टिश्यू। अब ये किन सेल से बनते हैं, नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट है न्यूरोन सेल, और न्यूरोन सेल जो है उससे मिलकर बनते हैं नर्वस टिश्यूज। तो ये कंट्रोल होता है, अब हमारे यहाँ पे ये टच हुआ तो ये किसको पता चल रहा है, ब्रेन को, कि हाँ टच हुआ, उसका मतलब क्या है कि मैसेज ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कौन हेल्प कर रहा है, नर्वस टिश्यू हेल्प कर रहे हैं, और नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से मिलके बनते हैं, और ये नर्व इंपल्स जो है, ये है, इस मैसेज जो जाता है इसको नर्व इंपल्स कहा जाता है। तो ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में जितनी भी है उसमें ये नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये वो फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनमें आ गया कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आई होप कि आपको टिश्यूज के बारे में कोई एक ओवरव्यू अच्छा मिल गया होगा। नाइन्थ क्लास की बुक से ये लेक्चर था, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी स्टूडेंट ओवरव्यू के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो हम इनकी डिटेल और ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।